हेलो दोस्तों, वेलकम टू सचिन ग्राफिक। आज का हमारा टॉपिक होगा एक क्रिएटिव बनाएंगे हम लोग सोशल मीडिया के लिए। तो आज का हमारा वही टॉपिक है कि एक जैकेट है, वुमेन हुडेड जैकेट है, उसका एक क्रिएटिव बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सचिन ग्राफिक का जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप में 180x180 पिक्सल्स का एक पेज बनाएंगे हम लोग, जो कि सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड साइज है। इसका नेम दे देंगे क्रिएटिव एंड क्रिएट। एंड मैंने कुछ पहले से ही इसका लोगो जो होगा वो कलंजी ब्रांड हम लोगों ने चूज किया है, एंड जैकेट वुमेन्स के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये पिक्चर्स है जिसको मैंने बैकग्राउंड डिलीट करके रखा है। मेरा जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपको अगर वो वापस आपका जो अरेंज किया है अपने वर्क स्पेस उसको रीसेट करना है, तो आप विंडोज में जाइए वर्क स्पेस एंड यहाँ से रीसेट। तो देख सकते हैं आ चुका है, और ये रहा मेरा पेज जो हम लोग क्रिएट किया। इसको लेके जाएंगे फोटोज को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इसका साइज मैं छोटा कर लूंगा। ओके, फिर बाकी कंटेंट लेके आते हैं हमारा, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे क्रिएटिव। देन इसका लोगो आ जाएगा। ओके, ओके, लोगो आ गया, ठीक है, बढ़िया। फिर इसका जो जो राइटअप है, जो ब्रीफ होगा, वो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है ऑलरेडी, इसको टाइप करके रखा है मैंने, देख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा क्रिएटिव पे, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड डिज़ाइन करना चाहता हूँ मैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका कलर जो है वो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसका कलर जो है वो पहले से ही कलर पैलेट बना के रखेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपका टाइम बचता है, ठीक है। तो ये मेरा कलर है, कलर कॉम्बिनेशन करके रखा था मैंने। तो मैं ये इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ पर्पल एंड येलो विद वाइट एंड ब्लैक। ओके, तो पर्पल का यहाँ से मैं हेक्स कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड में फोटोशॉप में बैकग्राउंड पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एंड इसका कलर मैं कर दूंगा जो पर्पल जो मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। फिर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लाएंगे इसके जो फीचर्स हैं, लाइक इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो जाएगा, आई मीन डिसअपियर हो जाता है बैकग्राउंड, अगर इसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करते हैं। तो नॉर्मल पे था तो वाइट था, इसको मैं अगर डार्कन एंड मल्टीप्लाई पे लेके जाता हूँ तो वो इसका बैकग्राउंड डिसअपियर हो जाएगा। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट मुझे फ़िलहाल डिलीट नहीं करना था। ओके, तो बाकी चीज़ें लेके आते हैं हमारे।
बस यही था डिजाइन हो गया है। तो क्योंकि बारिश चालू है इसलिए मैंने जो है म्यूजिक डाल के रखा है, नहीं तो मैं बताते चलता आपको साथ साथ में कैसे करना है, बट अभी बारिश चालू है तो उसका काफी नॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी तो आपको पता ही है सब। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।